हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। फाइनली यहाँ पे सीओडी वॉर जोन आ चुका है मोबाइल के अंदर, और वो भी ग्लोबली। बट यहाँ पे भाई इंडिया के अंदर बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो कि लैग की इशू फेस कर रहे हैं, या तो सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है या फिर लैग का इशू हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास ज़्यादा जो है हाई प्रोसेसर के डिवाइसेस नहीं है, लाइक आईफोन, आईपैड या टैबलेट, वो भी हाई प्रोसेसर का, या फिर ज़्यादा अच्छा रैम नहीं है। लेकिन फिर भी आप इस गेम को खेल सकते हो, ठीक है। और मैं आपको आज इसके अंदर सेटिंग्स बताने वाला हूं, अगर ये सेटिंग्स आप फॉलो करते हो ना तो 100% आप गेम खेल पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर इंफॉर्मेटिव लगे और आपको हेल्पफुल लगे इसको करके तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइज, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई सीओडी वॉर जोन जो है यहां पे एक ऐसा फीचर्स गेम के अंदर डाला हुआ है जो कि जब आप 5-6 गेम आप खेलोगे ना तो उसके बाद ऐसे ही गेम धीरे धीरे करके इसका ग्राफिक अच्छा हो जाएगा और चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। अगर यहां पे सेल्फ ऑप्टिमाइज गेम खुद कर रहा है तो भाई अपडेट की कोई जरूरत है ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट यहां पे जो सीओडी मोबाइल खेले हैं उनको पता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत चीजें इशू होता है, बट भाई वॉर जोन जो है वो एकदम डिफरेंट गेम है, सीओडी मोबाइल से भी डिफरेंट गेम है। सीओडी मोबाइल स्टार्टिंग में भाई फिर भी चल गया था, पर ये वॉर जोन नहीं चल रहा मोबाइल्स के अंदर, और बहुत सारे लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं बट भाई घंटा कुछ नहीं हो पा रहा है। यहां पे सीधे सीधे गेम में जा रहा है, पूरा जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जा रहा है, या फिर सर्वर का इशू हो जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इशू हो जा रहा है जिसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहे हैं। तो आज मैं कुछ सेटिंग बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके आप इस गेम को आराम से खेल सकते हो। तो सेटिंग्स को बड़ा ध्यान से देखना, और गाइज अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे या थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट सीधे हम लोग चलते हैं सेटिंग। तो अब सीधे हम आ चुके हैं कंट्रोल सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर यहां पे आने के बाद विजुअल क्वालिटी आपको लो करना पड़ेगा, ठीक है। लो में भी फिर भी आपको अच्छा खासा चल जाएगा। उसके बाद यहां पे जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज है उसको फ्रेम रेट पे कर देना, और यहां पे जो मैक्स फ्रेम रेट एफपीएस है ना उसको अनकैप्ड कर देना, ठीक है। अब यहां पे जो फील्ड एफओवी है, फील्ड एफओवी का मतलब ये होता है कि जब आप खड़े होते हो ना तो 180 डिग्री पे कहां तक पूरा फील्ड देख पाते हो, ये फील्ड एफओवी होता है, इसको एकदम कम कर देना। मतलब अगर 60 भी कर सकते हो तो 60 भी कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे एक चीज और ध्यान देना कि कभी भी ये जो बैटल रॉयल जिसमें 120 प्लेयर आते हैं ये मत खेलना। क्यों नहीं खेलना ये भी मैं बता देता हूं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो कंट्रोलर्स के प्लेयर आते हैं जिसमें हाई ग्राफिक्स की जरूरत होती है, और भाई नहीं आपके फोन में चल पाएगा। अभी इंडिया के अंदर ये अच्छे तरीके से इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है, हो सकता है महीने दो महीने के बाद ऑप्टिमाइजेशन इसकी अच्छी हो जाए और आप खेल पाओ। उसके बाद यहां पे या तो आप मोबाइल रॉयल खेल सकते हो, मोबाइल रॉयल बेसिकली आप मोबाइल के लिए इंडिया के लिए ही बनाया गया है। उसके बाद मॉस स्पीड खेल सकते हो या फिर रीबर्थ ये खेल सकते हो, ये तीन ही आप खेल सकते हो बस, ठीक है। उसमें भी आपका सेटिंग्स ऐसा होना चाहिए, अगर आपके पास हाई डिवाइसेस नहीं है तो तभी आप खेल पाओगे, और अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल जरूर आके सब्सक्राइब।